दोस्तों धन्यवाद, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको एक ऐसे आदमी से मिला हूँ महसूस हो गया साहब कि मैं आपको खुद इंट्रोड्यूस कराने का ख्वाहिश मंद रखता हूँ कि आपको मैं मिलवाऊँ। तो आइए मैं आपको मिलवाता हूँ जनाब गिनी सिंह साहब से, जिनसे मैं अभी पास में बैठा हूँ। अब आइए गिनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, इतना अच्छा लग गया मुझे, दिल खुश हो गया। काफ़ी अच्छे इंसान, और कितने साल से ड्राइविंग कर रहे हैं आप यहाँ पे? मेरे को तो यहाँ 22 साल हो गया और 10 साल मैं सऊदी अरब में था। 10 साल आप सऊदी अरब में थे, वहाँ क्या कर रहे थे आप? वहाँ पे भी ड्राइविंग कर रहा, वहाँ भी ड्राइविंग कर रहे थे। ऐसे कुछ लेना देना नहीं है, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, हर आदमी इंसानियत है, और इंसानियत के नाम पे जो है हर आदमी जो है कलंक करना चाहता है। मजहब में देखिए, मजहब में चाहे हमारा हो चाहे आपका हो, किताब खोल कर देखिए तो एक ही चीज़ लिखा हुआ है, आप पाँच टाइम नमाज पढ़ते हैं, हम दो टाइम जो है पूजा करते हैं, आप भी उन्हीं को सजदा करते हैं, हम भी उन्हीं को प्रार्थना करते हैं, जिस लहजे में आप बोलें। लेकिन इंसान जो है, इंसानियत जो है दुनिया से उठती जा रही है भैया, कोई भी इंसान हो, इसको कायम करने के लिए हर इंसान को आगे आना चाहिए। भाई मैं सबको पैगाम देता हूँ, जितने दुनिया में, सारी दुनिया की बात बोलता हूँ, एक हिंदुस्तान की बात नहीं बोलता हूँ, जो भी भाई है अमन और चैन से रहें, भाईचारा बना के रहें, 4 दिन की ज़िंदगी है, सबको यहाँ से चले जाना है, किसी को कुछ लेके जाना नहीं है, कितना हो संपत्ति चोरी जो भी करो सब यहीं पे छोड़ के चले जाओगे, लेकिन कुछ बचेगा नहीं। क्या बचेगा? एक इंसानियत बचेगी इंसान को, बस इतना ही कहूँगा। मैं हर भाई से निवेदन करता हूँ, ये इस सैयद ब्रदर्स भाई के चैनल जो है, आप लोग सब जितने सब्सक्राइब कीजिएगा